नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गढ़वा प्रखंड के चेतना गांव में श्रीकृष्ण गौशाला मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा में उपस्थित जन समुदाय से आशीर्वाद मांगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़वा में चुनावी सभा के दौरान पलमुआ अवतार देखने को मिला है। इससे पहले प्रधानमंत्री का भोजपुरी, नागपुरी और मगही अवतार देखने को मिल चुका है। आज नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर चढ़े, उन्होंने सब ठीक बाना बोलकर सभी का हाल चाल लिया। इसके बाद अपने भाषण की शुरुआत की और एक के बाद एक विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वादे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं, हमारे नागरिकों की आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा ने इन्हें सबक सिखाया है, सुनिए। आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं, हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है, वहां भी इन्होंने झूठ फैलाने की बहुत कोशिश की थी। महिलाओं, किसानों, नौजवानों, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा वालों ने इनके झूठ को टिकने नहीं दिया। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वह है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी हैं। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। ये भी सुनिए। दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है, अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो झारखंड के आप सभी लोगों की परवाह कैसे करेंगे भला। इसलिए झारखंड के हर नौजवान से कहूंगा, ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है और विपक्ष के लिए कहा कि ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। यह आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल
सामाजिक तानावाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। देखा जाए तो कल ही झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इस संकल्प पत्र के बाद पीएम मोदी की रैली बूस्टर से कम नहीं है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।